Hey guys, it's me Hans and I'm back with another video. तो guys, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड वॉच का फुल रिव्यू और आपको बताऊंगा कि आपके जो वॉच है इंडिया के अंदर परचेज करनी चाहिए कि नहीं। बाय द वे मैं इस वॉच से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। आपको मैं पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर सकते हो। और बॉट की तरफ से हमें एक मिस्ट्री बॉक्स आ रखा है जो कि यार देखने में तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करूंगा बहुत जल्दी। तो आप लोग इसके लिए भी स्टे ट्यून कर सकते हो चैनल पे और वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। करते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग इस वॉच के बारे में बात करते हैं, देन हम लोग बात करेंगे कि आपको ये जो वॉच है इसको लेनी चाहिए कि नहीं। तो यार सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस वॉच को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस वॉच के अंदर जो आपको फीचर्स देखने को मिलने हैं वो एक टिपिकल फीचर्स है एंड आपको बॉट नॉइस एंड बाकी सारे जो अदर रेस्पेक्टिव ब्रांड्स हैं इनकी तरफ से भी देखने वो मिल जा रही है स्पेक्स। तो यार वन प्लस का मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इस प्राइस में ये वॉच को लॉन्च करा गया है। तो आपको हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पे एक 45.2 mm मतलब 1.78 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने में मिलती है। अब ये जो डिस्प्ले देखो इसका रिजोल्यूशन काफी अच्छा है, आपको 368x448 का रिजोल्यूशन इसका देखने में मिल जाता है। एंड ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें इस वॉच की तो आपको यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने में मिल जाती है, 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने में मिल जाती है। एंड लिटरली ये जो वॉच है आपको डिस्प्ले मामले में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। आफ्टर दैट आप लोगों को इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाता है, जो कि देखने में वॉच के थ्रू अगर हम लोग देखें तो काफी अच्छे स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं। बट ये जो वॉच है आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ अदर फीचर्स डिसअपॉइंट जरूर से करने वाली है। अगर हम लोग बात करें बॉडी एंड डिजाइन की तो आप लोगों को एक स्क्वायरिश बिल्ड के साथ आने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को एक क्राउन बटन देखने मिल जाएगा। ये आपको नॉन फंक्शनल क्राउन बटन है, तो ये बात याद रखना कि जस्ट आप लोगों का पावर बटन है। इसके बाद आप लोगों को प्रीमियम मेटलिक बिल्ड देखने मिल जाएगी एंड आपको जो स्ट्रैप्स इसके अंदर देखने मिलते हैं ये आपको 22 mm के स्ट्रैप्स देखने मिलते हैं, तो आप लोग इनको इजिली डिटैच करके दूसरे स्ट्रैप्स भी यूज कर पाओगे। तो ये चीज तो एक छोटा सा फीचर है जो कि वन प्लस ने ठीक ठाक दिया है। इसके बाद आप लोगों को इस वॉच के अंदर 100 से भी ज्यादा क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप लोग अपने टाइम टू टाइम चेंज कर पाओगे। एंड इसके अंदर आप लोगों को वन प्लस वेयर का जो ऐप है उसी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसके थ्रू अपने स्पेक्स को एंड बाकी सब चीजें देख पाओगे एंड अपनी जो वॉचेस के क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस हैं इनको चेंज भी कर पाओगे। इसके साथ साथ आप लोग इस पर अपनी फोटो वोटो को भी लगा पाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। आफ्टर दैट आप लोगों को जो वॉच है इसके अंदर 105 स्पोर्ट्स मोड देखने मिल जाएंगे। ये जो वॉच है इसके अंदर आप लोगों को जो स्पोर्ट्स मोड है काफी एक्यूरेट एंड काफी मतलब ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ आएंगे, तो ये चीज आपको देखने मिलती है। आप लोगों को इसमें सारे के सारे सेंसर स्पोर्ट्स मोड देखने मिल जाएंगे, लाइक बैडमिंटन स्पोर्ट्स रनिंग साइकिलिंग एंड स्विमिंग एंड मतलब जितने भी सेंसर मोड्स हैं सब आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आफ्टर दैट आप लोगों को हेल्थ को यहाँ पे ध्यान रखते हुए भी वन प्लस ने कुछ फीचर्स को इंक्लूड करा है, लाइक आपको यहाँ पे SpO2 मॉनिटर देखने को मिल जाता है, वुमेन हेल्थ रेट हेल्थ ट्रैकर देखने को मिल जाता है, लाइक आपको फीमेल ट्रैकर देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को स्ट्रेस मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है। ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जिनको लेके जो वॉच है काफी अमेजिंग सी बन जाती है। अब देखो यार इन फीचर्स को लेके ही जस्ट हम लोग एक वॉच को परचेज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी के अगर हम लोग टाइम पे देखें तो मार्केट में जितनी भी वॉचेस अवेलेबल है सबकी सब वॉचेस ये सेम फीचर्स को प्रोवाइड कर ही रही है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं लग रहा है। आफ्टर दैट आप लोगों को इस वॉच के अंदर एक और अच्छी यहाँ पे चीज काफी अच्छी देखने मिल जाती है कि आप लोगों को यहाँ पे बैटरी लाइफ देखने में मिल जाती है 10 दिन के करीब की, जो कि वन प्लस मतलब क्लेम करता है, बट 10 दिन के करीब की आपको नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले बहुत ज्यादा बैटरी यू कंज्यूम करती है। ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है एंड आप लोगों को इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, तो उसके मामले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। अब ये सारे फीचर्स हैं, अब रही बात इसके प्राइस की, तो वन प्लस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये जो वॉच है अंडर 5000 रुपीज आएगी। देखो प्राइस एंड सेगमेंट के हिसाब से ये वॉच कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं करती है। आप लोग बोल रहे होंगे क्या चीज मिसिंग है यार इसके अंदर, तो सारे फीचर्स दे दिए, बट यार मेन फीचर तो इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का ही मिसिंग है ना, आपको इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट नहीं देखने मिलता। व्हाट द फक, लोग क्यों ही लेंगे यार इस वॉच को। अब मतलब इस वॉच को परचेस करने का मुझे तो कोई रीजन नहीं लग रहा। अगर आपको कोई वैलिड रीजन लग रहा है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाय द वे यार अपनी अपनी पसंद है, आप लोग चाहो तो वन प्लस की एक वॉच को एक्सपीरियंस करना चाहो तो इस वॉच को जरूर से ले सकते हो, और मेरे पास तो वन प्लस का डिवाइस है भी,
तो मैं डिसीजन देखता हूँ कि इसको लेना है कि नहीं। बाय द वे मुझको ये ऐसी वॉचेस अच्छी नहीं लगती, मुझको तो अपनी वही स्क्वायर राउंड डिजाइन वाली वॉचेस अच्छी लगती है, लाइक मेरी टीएली टीसो वॉच आर, ये ही मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा मैं लिटरली अभी तक इतनी सारी वॉचेस मेरे पास है, मैं किसी पे स्विच ही नहीं कर पाया क्योंकि इसका डिजाइन एंड बिल्ड कितनी ज्यादा अच्छी है। बाय द वे आप लोगों को अगर ब्लूटूथ कॉलिंग मेन फीचर नहीं लगता है तो आप लोग इस वॉच को लिटरली परचेज कर सकते हो, स्पेक्स के मामले में ठीक ठाक देखने मिलती है, बस ब्लूटूथ कॉलिंग इसके अंदर मिसिंग है, ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका डाउन पॉइंट हो सकता है। और आज की वीडियो में इतना, आई होप आपको वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन नेक्स्ट।